तो शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2B, और इसमें हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनको हम अप्लाई करके देख लेते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए दो फ्रैक्शन होंगे 2/3 एंड मल्टीप्लाई ये होगा हमारे पास 9/8, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम क्या करें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं इनके न्यूमरेटर्स को और अपॉन में इसके डिनोमिनेटर्स को। तो ऐसे राइट कर लेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 2 9 = 18, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 8 = 24, ठीक है। तो अभी इसको क्या कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे 1 के अलावा यहाँ पे कोई और कॉमन है या नहीं है, मीन्स ये किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं दोनों, ठीक है। तो ये हो सकते हैं, तो ये है 6 3 = 18, 6 4 = 24, तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो कितना है 3/4, ठीक है। तो ये हमारा किसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो 2/3 × 9/8 का जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा कितना होगा 3/4। अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे करते हैं, इसको करते हैं कि हम इन नंबर्स में यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर नीचे कोई नंबर्स, जो ये नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं इसको 2 को और 3 को, तो इन दोनों में कॉमन है क्या, फिर देख लेता हूँ 2 और 8 को, तो 2 और 8 किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से हो जाएंगे, तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, फिर देख लेते हैं 3 और 9 को, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे 3 और 9 हो जाएंगे, 3 से डिवाइड 3 1 = 3, 3 3 = 9, देखते हैं ऊपर क्या क्या बचा है न्यूमरेटर्स में, 1 × 3 तो ये बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में 1 × 4 तो ये बचेगा हमारे पास 4, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास इसका रिजल्ट 3/4। अगर यहाँ पे हमारे पास डिवीजन होता, ठीक है, इस तरह से मान लो मेरे पास होता 2/3 × 7/8 और ये डिवाइड होता कितना, ये होता 9/16, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं अगर हमारे पास ये होता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोर्डमास का रूल अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई, तो पहले डिवीजन है तो इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 2/3 × 7/8, तो डिवाइड का क्या करते हैं हम इसको चेंज कर देते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में, और इस फ्रैक्शन को कर देते हैं जो डिवीजन के बाद होती है इसको कर देते हैं रिवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/9, अब भी कर लेते हैं इसको क्या सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 8 और 16 डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो 8 1 = 8, 8 2 = 16, ठीक है। आगे कुछ डिवाइड हो रहा है 3 और इसमें ऊपर कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, 9 और ऊपर 2 7 2, तो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इसको कैसे कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 = 4 4 7 = 28, ठीक है। ऊपर हमारे पास देखो जो जो बचा उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 2 × 7 × 2 ये न्यूमरेटर में बचा है हमारे पास, और डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा है 3 × 9, ठीक है, 1 को राइट करें या नहीं करें 3 × 9, तो कितना बच गया 2 2 = 4 7 = 28 अपॉन ये बच गया हमारे पास 27, ठीक है। तो 28 अपॉन 27 किस में, इम्प्रॉपर में, तो इसको मिक्स में चेंज कर लेते हैं, तो 1 + 1/27, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन इनका मल्टीप्लाई करना है, तो देख लेते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 6 60 60 and 69/10, मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे 23 1 23 और 1 24/23, कट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे 23 और 69 आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 23 से डिवाइड हो जाएंगे, 23 1 जा और 23 3 जा, ठीक है। आगे क्या आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास है 10 और ये 24, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है यहाँ पे, 0 2 4 6, इसमें 0 आ रहा है और इसमें 4 आ रहा है, ठीक है। तो 2 5 = 10 और ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। तो ऊपर देखिए क्या बचा है हमारे पास 3 × 12, कितना बचा है 3 × 12 न्यूमरेटर्स में, और नीचे क्या बचा है हमारे पास 5, तो ये आ गया हमारे पास कितना 36/5, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किसमें, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं मिक्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 5 7 और 1/5, तो 7 + 1/5, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 = 6 + 1 7/2 मल्टीप्लाई ये 14 2 = 28 और 1 = 29/2, ठीक है।
देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल कोई भी नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें ऊपर वालों का और नीचे वालों का। तो कितना हो जाएगा, 7 × 29 अपॉन के 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 9 = 63, 7 × 2 = 14 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है, अपॉन के 4। इसको कर लेते हैं मिक्स में चेंज, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, ठीक है 50 और ये 3/4, 50 + 3/4। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है 3, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कर लेते हैं इम्प्रॉपर में चेंज, तो इम्प्रॉपर में किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15/7 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 22/9 और मल्टीप्लाई 7/22, ठीक है। देख लेते हैं 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है हमारे पास 15/9, तो ये भी कट हो जाएगा किससे, 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 5/3। इम्प्रॉपर है, इसको चेंज कर लेते हैं मिक्स में, तो 1 + 2/3, ठीक है, तो इतना इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने 3/4 ऑफ 32 kg, ठीक है, 32 kg का हमें 3/4 पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे जो ऑफ है उसकी जगह पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 32 kg, तो 4 × 8 = 32 और यहाँ पे कितना बचा 3 × 8, ये आ जाए 24 kg, ठीक है। तो जो 32 kg है उसका 3/4 जो होगा वो होगा 24 kg, ठीक है। आगे है इसमें 4/9 ऑफ 1/24, ठीक है, तो इसको कैसे कर लेंगे, देखो 4/9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 1/24, ठीक है। देख लेते हैं इसको, 4 और 24 डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो 4×1 = 4, 4×6 = 24, ऊपर बचा हमारे पास क्या 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 9 × 6, ठीक है, तो 1/54। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है सिंपलीफाई। तो जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, तो उनको हम किस ऑर्डर में क्या करते हैं सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे वो देखेंगे, और सिंपलीफाई में हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं, तो ब्रैकेट्स को हम किस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम किस ऑर्डर में रिमूव करते हैं हम यहाँ पे वो देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है सिंपलीफाई में, एक हमारे पास ये होता है, एक रूल होता है ये BODMAS, ठीक है, जहां से बी से बी जो है इसको रिप्रेजेंट करता है किसको, ब्रैकेट्स को, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रैकेट होगा, सबसे पहले हम किसी किसी उसमें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑफ को ओपन, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद हम करेंगे वहां पे मल्टीप्लाई, इसके बाद हम करेंगे वहां पे एडिशन, और फिर एट लास्ट हम करेंगे वहां पे सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हम इस ऑर्डर में क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास वहां पे ब्रैकेट्स हो तो हम उनको किस ऑर्डर में क्या करते हैं रिमूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स हमारे पास चार टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है हमारे पास सबसे वन, ये होता है हमारे पास बार, ठीक है, कौन सा होता है बार, बार का हमारे पास सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। फिर होता है हमारे पास यहाँ पे, ये होता है इसके बाद पैरेंथेसिस, ठीक है, इसका जो हमारे पास सिंबल होता है ये होता है ये, ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व करते हैं। फिर होता है इसमें कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हमारे पास कौन सा होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है हमारे पास ये, इसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इसका सिंबल होता है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अगर हमारे पास किसी एक ही क्वेश्चन में ये चारों सिंबल आ जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये सिंबल सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये हटाना है, बार हटाना है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस हटाना है, उसके बाद ये हटाना है, ठीक है, उसके बाद हमें ये रिमूव करना है। तो वन बाय वन हम इस तरह से इनको रिमूव करेंगे और हम इस इन ऑपरेशंस को ऐसे इस ऑर्डर में रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहां पर ले लेते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या है, यहां पे पैरेंथेसिस में है 2 + 3/4 - 1 + 1/3 एंड मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां पे एक ब्रैकेट दिया हुआ है हमें पैरेंथेसिस, ठीक है, हमें सबसे पहले ये रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 8 = 3, 11/4 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 और मल्टीप्लाई ये आउटसाइड में हमारा कितना 3/4, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं पहले, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी ऑपरेशन से पहले उसको कर लेते हैं हम,
तो यहाँ पे क्या 11/4 और 4/3 का हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 12, ठीक है, और 4 3 से 12, तो ये 33 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 4 का, और ये हो जाएगा 16, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना है अभी यहाँ पे 3/4 चल रहा है, तो ये 33 में से 17 रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा 17/12 और मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे कुछ रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 3 1 3 3 4 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17/4 16, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 17/16, और इसको मैं राइट कर सकता हूँ किस तरह से, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये आ जाएगा मिक्स में 1+1/16, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 30 किलोमीटर एंड 2/3 ऑफ 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो देखिए किस तरह से करते हैं, ऑफ को हम बदलते हैं किसमें, मल्टीप्लाई, तो 3/5 मल्टीप्लाई ऑफ का करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 30 किलोमीटर, और नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा 2/3, इसका ऑफ का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 30 किलोमीटर, ठीक है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर डिफरेंस करेंगे इनका, तो यहाँ से 5 5 5 6 13, तो कितना बचा, ये बचा 18 किलोमीटर, ठीक है, और इसके बाद ये 3 10, तो ये कितना बचा यहाँ से, ये बचा 20 किलोमीटर, तो जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा इसका, इसका डिफरेंस आ जाएगा ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, 20 किलोमीटर माइनस 18 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आया हमारे पास फाइनल कितना है 2 किलोमीटर। नेक्स्ट है इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दिया हो तो उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, उसमें हम कैसा नंबर मल्टीप्लाई करें, क्या फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करें जो वो क्या हो जाए 1 को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जो आंसर है हमारा, जो रिजल्ट है हमारा कितना है 1 आए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए होगा 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मींस यहाँ पे उल्टा, ठीक है ना, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो 1 को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जो रिजल्ट हमारा 1 है, तो इसका उल्टा कर देते हैं 3/2, ठीक है, कटने के बाद 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्स में अगर दिया हो ना हमें, तो हम क्या करेंगे उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इस तरह से 5 2 10 1 11/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे राइट कर देंगे 5/11 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 11/5। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने लिया है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 3/5 3 1/2, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे डिवीजन करना है, तो इधर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10 और 3 13/5 डिवाइड, यहाँ पे है हमारे पास 3 2 6 1 7/2, ठीक है, तो इधर क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन का क्या कर देना है, डिवीजन का जो साइन है यहाँ पे उसका क्या कर देना, मल्टीप्लाई में चेंज कर देना, ठीक है, 13/5 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारा जो दूसरा वाला है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो 2/7, तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, कोई भी जो यहाँ पे कोई भी जो नंबर है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करें, ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 26/35, ठीक है, तो इसका जो डिवीजन है हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट बनेगा इसका ये आएगा। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है ये, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में जो ऑपरेशन है ये लगा हुआ है मल्टीप्लाई का, जो सेकंड है इसमें लगा हुआ है डिवीजन का, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, इम्प्रॉपर में, क्योंकि ये है मिक्स्ड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/24 मल्टीप्लाई 4 2 8 1 9/4, और ये है हमारे पास डिवाइड कितना 14/14 और 15/14, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवीजन को सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं, और इसकी जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं ना मल्टीप्लाई का साइन, तो 25/24 मल्टीप्लाई 9/4, इसको हटाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर देंगे रिवर्स, तो 14/15। अभी देख लेते हैं क्या कोई नंबर यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, तो देख लेते हैं इसको, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 5 3 जा और ये 5 5 जा, ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो नंबर बनेंगे हमारे पास 3 8 जा 24 और ये 3 3 जा 9, ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो इसके बाद और कुछ कट रहा है हमारे यहाँ से, ये कट जाएगा 2 2 जा 4 और ये 2 7 जा 14, ठीक है,
अभी कुछ डिवाइड हो जाएगा, 5, 8 और 2, 7, 2 और 8 कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 5 × 7, न्यूमरेटर में हमारे पास यही बचा है 5 × 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है 8 × 2, तो इधर बच गया 7 × 35/16, ठीक है। इम्प्रॉपर में है इसको कर देते हैं मिक्स में चेंज, तो ये हो जाएगा 16 × 32, रिमेनिंग 3/5, 16, ठीक है, अपॉन क्या बचेगा 16। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे कुछ पार्ट लिए हुए हैं, और फर्स्ट में लिया हुआ है मैंने पार्ट नंबर 3, तो इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है, 2/3 of 3/4 / 4/5। तो हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो भी हमारा ऑपरेशन फर्स्ट में है उसको पहले रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे है ऑफ, और हम सबसे पहले किसको करते हैं, ऑफ को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, तो उसके बाद ऑफ होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/3, और इसका ऑफ का हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 और ऑफ का मल्टीप्लाई करके 3/4, ठीक है, या फिर सीधा कर लीजिए यहाँ पे इसको 2×3 = 6 और अपॉन के 3×4 = 12, ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का, और यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का किसमें, डिवीजन में, और ये हो जाएगा रिवर्स 4/5/4, ठीक है। तो कट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6×1 = 6, 6×2 = 12, तो कितना बचा, न्यूमरेटर में मेरे पास 1×5 = 5 और डिनोमिनेटर में 2×4, ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 9 का जो 5 पार्ट है मेरे पास वो क्या है, 4/5 ऑफ पैरेंथेसिस में है मेरे पास 4/9 + 2/3 और डिवीजन 2 + 2/3, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट है, सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ठीक है, और इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, मिक्स से इम्प्रॉपर में। तो ये है मेरे पास 4/5 ऑफ, इसको कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका हमारे पास एलसीएम आएगा 9 और ये हो जाएगा 4 + 3×3 = 9, 6 और इसका डिवीजन ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। नेक्स्ट इसका रहेगा 4/5 ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास 10/9 एंड ये डिवीजन में हमारा 8/3। ऑफ रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, तो ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा या तो यहीं पे कट कर दीजिए या फिर सीधा लिख लीजिए 40/45, ठीक है, ये डिवीजन कितना है हमारा पास 8/3, ठीक है। इसको आगे कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा हमारे पास 40/45 और मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 3/8, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे है हमारे पास 8, 5 = 45 और ये कट हो जाएगा हमारे पास 5 × 5, 5 × 9 = और ये 3 × 3, 3 × 3 = 9, ठीक है, कट कर लोगे इसको तो यह आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो फाइनल जो इसका रिजल्ट मिलेगा हमें इस 5 पार्ट का वो बनेगा 1/3। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9, तो पार्ट नंबर 9 में क्या है, 108/36 ऑफ 1/3 + 2/5 × 3 + 3/4, तो हमें यहाँ पे ये ऑपरेशंस रिमूव करने, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, हमें क्या करना है ऑफ को रिमूव करना है, तो यहाँ पे है मेरे पास 108/36, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑफ था, ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा इसका, अगर हम ऑफ को रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12 हो जाएगा सीधा, ठीक है, इसको कट करेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 4×3 = 12 और 3×15/4, ठीक है। ऑफ के बाद हमारे पास क्या है, डिवीजन, तो इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसको सीधा कट करना चाहो सीधा कर लो, अदरवाइज इसको अपॉन में लाना चाहो अपॉन में ले आओ, ठीक है, तो ये 12 × 9 = 9 + 2/5 × 15/4, ठीक है, हमने ये किया था, अभी पहले हमने इसको किया था, फिर हमने ये, और अभी हम कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो यहाँ से 5×3 = 15 और ये 2×2 = 4, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 9 प्लस इधर क्या बचा 3 और अपॉन 2, ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसको एलसीएम 2, तो ये 9×2 = 18 प्लस 3×21/2, इम्प्रॉपर में है, इसको कर लेते हैं हम मिक्स में चेंज, तो ये 10 + 1/2 इसका हमारा रिजल्ट बनेगा।